नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। हार्दिक पांड्या को लेकर तमाम बातें चल रही हैं, तमाम उनकी आलोचनाएं हो रही हैं, उनको खेल को लेकर उनके लगातार निशाने पर हार्दिक पांड्या हैं। लेकिन अब हार्दिक पांड्या को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। एक और टीम से हार्दिक पांड्या बाहर हो गए हैं। पहले ही T20 विश्व कप के बाद हार्दिक पांड्या पर निशाना साधा जा रहा था, हार्दिक पांड्या पर उनके खेल पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। टीम इंडिया से बाहर हो गए हार्दिक पांड्या। लेकिन अब एक और बड़ा झटका हार्दिक पांड्या को लगा है, क्योंकि अब लगातार हार्दिक पांड्या को खेल को लेकर, उनकी गेंदबाजी को लेकर, उनकी बल्लेबाजी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब जो झटका लगा है वो भी उनकी फिटनेस को लेकर लगा है। दरअसल हार्दिक पांड्या, आपको बता दें, जानकारी दे दें कि हार्दिक पांड्या इस वक्त मुंबई में रिहैबिलिटेशन सेंटर में है और वहां पर खुद को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन अब हार्दिक पांड्या को लेकर जो खबर आई वो ये है कि बड़ौदा की टीम, क्योंकि गुजरात से हार्दिक पांड्या आते हैं, तो बड़ौदा की टीम को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए हार्दिक पांड्या को जब उन्होंने संपर्क साधा, उनको मेल किया, तो हार्दिक पांड्या ने जवाब दिया कि वो अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, वो उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। और जवाब ये दिया गया कि वो मुंबई में रिहैबिलिटेशन सेंटर में हैं और वो खुद को तैयार कर रहे हैं, अपने आप को फिटनेस के तौर पर तैयार कर रहे हैं और वो उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हार्दिक पांड्या अब विजय हजारे ट्रॉफी से भी बाहर हो गए हैं। वैसे आपको एक जानकारी और दे दें कि हार्दिक पांड्या के भाई कुणाल पांड्या को भी मैसेज भेजा गया, लेकिन उनको अनिवार्य कर दिया गया बड़ौदा की टीम से कि भाई आपको तो शामिल होना ही है क्योंकि आपकी फिटनेस ठीक है। लेकिन हार्दिक पांड्या को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है और बड़ा झटका भी है। बड़ा झटका ये है क्योंकि अब BCCI ये साफ कर चुकी है कि भाई आपको अगर टीम में दोबारा शामिल, हर खिलाड़ी के लिए आपको अगर टीम में दोबारा शामिल होना है तो आपको पहले रणजी और घरेलू क्रिकेट में बेहतर खेल दिखाना होगा, वहां पर प्रदर्शन करना होगा। IPL के आधार पर आपको टीम में जगह नहीं मिलेगी, ये BCCI साफ कर चुका है। और हार्दिक पांड्या का अगर देखें तो पिछले 2-3 साल से हार्दिक पांड्या घरेलू क्रिकेट कम खेल रहे हैं, इसलिए हार्दिक पांड्या खुद को रिहैबिलिटेशन सेंटर में उन्होंने वो ले गए हैं और वहां पर खुद को तैयार कर रहे हैं, फिटनेस खुद की तैयार कर रहे हैं और गेंदबाजी के तौर पर खुद को फिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हार्दिक पांड्या को एक ऑलराउंडर के तौर पर देखा जाता है और ऑलराउंडर के तौर पर उन्हें गेंदबाजी करना बेहद जरूरी है, बल्लेबाजी में भी उनके में दम नहीं है। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया में दोबारा वापस आना है तो एक और अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। वो अग्नि परीक्षा है NCA की अग्नि परीक्षा। मतलब हार्दिक पांड्या को अगर टीम में वापस आना है तो उन्हें NCA का भी फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। क्योंकि जब राहुल द्रविड़ जब बने थे NCA के अध्यक्ष, जब राहुल द्रविड़ की जिम्मेदारी आई थी NCA में, तब राहुल द्रविड़ ने जो पहले नियम कायदे थे वो बदल दिए थे और ये साफ कर दिया था कि किसी भी खिलाड़ी को टीम में जाने से पहले अपना फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ेगा, तब वो टीम इंडिया में जा सकता है। श्रेयस अय्यर, जो आपको पता होगा पिछले साल IPL के दौरान जब वो चोटिल हो गए थे और वो उसके बाद में जब श्रेयस अय्यर ने वापसी की तो उन्हें भी NCA में जाकर अपनी फिटनेस टेस्ट देना पड़ा था, उसको पास करने के बाद ही वो टीम में आ पाए थे। इसीलिए हार्दिक पांड्या को भी NCA में जाना पड़ेगा रिहैबिलिटेशन सेंटर के बाद, और NCA में जाकर वहां पर अपना फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो फिट पाए जाते हैं तब हार्दिक पांड्या टीम में आ सकते हैं, अदरवाइज हार्दिक पांड्या के लेकर लगभग ये बात कही जा रही है कि उनके दरवाजे लगभग बंद होते जा रहे हैं और उनकी जगह वेंकटेश अय्यर को जिस तरह से मौका दिया जा रहा है तो ऐसा माना जा रहा है कि वेंकटेश अय्यर शायद हार्दिक पांड्या की जगह लेने के लिए अब तैयार है। हार्दिक पांड्या को लेकर अब क्या कहना है आपका? जिस तरह से उनको झटके पर झटका लगता जा रहा है, टीम इंडिया में बाहर हुए, उसके बाद में अब बड़ौदा की टीम से भी बाहर हो गए, अब आपका क्या कहना है? क्या हार्दिक पांड्या के लिए वापसी करना आसान होगा? क्या हार्दिक पांड्या वापसी कर सकते हैं? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।